बारे में एक बार मैं आपको हल्का सा हिंट बता देता हूँ कैसे। जैसे अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक रहता है x एक्सिस, एक रहता है y एक्सिस, ठीक है। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया कि उस वर्ग का समीकरण बताओ जो x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इस टाइप से उस वर्ग का केंद्र क्या है, a कॉमा b उस वर्ग का केंद्र है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई a और ये डिस्टेंस क्या हो गया बी। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर कोई वर्ग एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस वर्ग की त्रिज्या आर उस वर्ग के केंद्र के वाई निर्देशांक के बराबर होती है, ठीक है। अगर कोई वर्ग एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस वर्ग के त्रिज्या उसके केंद्र के वाई निर्देशांक के बराबर होती है। दूसरी बात, अगर मान लो वर्ग किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वर्ग का केंद्र क्या है, ए कोमा बी, तो ये दूरी क्या होगी ए और ये डिस्टेंस क्या होगी बी। अब की बार वर्ग की त्रिज्या क्या है, अगर कोई वर्ग वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उस वर्ग की त्रिज्या क्या आएगी, उस वर्ग के एक्स निर्देशांक के बराबर आएगी, केंद्र के एक्स निर्देशांक के बराबर। दूसरी चीज, त्रिज्या वर्ग की हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, एक दूरी है और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। त्रिज्या दूरी है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ ए की वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो हमको हमेशा त्रिज्या प्लस ही लेनी है, यहाँ बी की वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो हमको प्लस ही लेनी है।